हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑन माय चूल्हा में। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ये कंडेंस मिल्क, जिसे हम मिठाई मेड भी कहते हैं। कंडेंस मिल्क जो कि हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे घर पे बहुत ही आसानी से। इसे आप किसी भी मिठाई, केक या आइसक्रीम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना कंडेंस मिल्क या मिठाई मेड की रेसिपी। तो कंडेंस मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में आधा लीटर दूध लिया है। तो यहाँ पर मैं अमूल दूध यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी दूध हो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फुल फैट दूध लेंगे तो उसे रिड्यूस होने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें पानी कम रहता है। तो आप कोई भी दूध लीजिए, उसमें पानी न डालें, उसे ऐसे ही हमें पकाना है। तो साथ में यहाँ पर मैं दूध में डाल रही हूँ 1/2 कप शुगर, शक्कर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। अब हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है, जब तक कि दूध आधा से और कम ना हो जाए, गाढ़ा ना हो जाए। तो आप कंटिन्यूसली से चलाते रहिए। तो दूध आप जितना गाढ़ा लेंगे आपको इसे पकाने में उतना ही कम समय लगेगा। तो आपको इसे कंटिन्यूसली पकाना है। अगर आप इसे स्लो आंच पर पका रहे हैं तो 1-1 मिनट के बाद भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे फास्ट आंच पर पका रहे हैं तो आपको कंटिन्यूसली चलाना होगा, नहीं तो ये उफन कर गिर सकता है। तो जब दूध आधा रह जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है ये बेकिंग सोडा। इसे हम सिर्फ 2 चुटकी ही डालेंगे। ये देखिए, ये बेकिंग सोडा जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, केक में यूज़ करते हैं, वही सोडा है। तो सिर्फ 2 चुटकी हमें इसमें डालना है और फिर से हमें दूध को चलाते हुए पकाना है। बेकिंग सोडा डालने से दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा। ये देखिए, गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हमारा दूध एकदम अच्छे से गाढ़ा हो गया, ये देखिए, और दूध हमारा 1/3 रह गया है अब। तो चेक कर लेते हैं कि हमारा दूध जो है पका है कि नहीं। ये देखिए, जब थोड़ा आपको स्टिकी फील होने लगे तब समझिए कि हमारा कंडेंस मिल्क अब बन गया है। ज़्यादा आप अगर इसे गाढ़ा कर देंगे तो ठंडा होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हमारा कंडेंस मिल्क बन चुका है। तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हमारा कंडेंस मिल्क ठंडा हो गया है 1-2 घंटे के बाद। ये देखिए, ये एकदम गाढ़ा हो गया। तो अब हम इसे एक ग्लास जार में भरकर रख लेंगे। ग्लास जार में भरकर आप इसे फ्रिज में रख लीजिए। इसे आप 10 से 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मिठाई, किसी भी केक या आइसक्रीम में आप इसे डालकर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी मिठाई मेड कंडेंस मिल्क की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर भी करें। आप एक बार इस कंडेंस मिल्क को बनाइए और होली आ रही है तो उसमें जो आप मिठाई बनाएंगे उसमें इसे यूज़ करके देखिए और कमेंट के थ्रू मुझे बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसी टेस्टी रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी होली।